तो मित्रों, एक बार फिर आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महावतार बाबा जी की गुफा में और महावतार बाबा जी के स्मृति भवन में। तो वो सब जगह तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन साथ में आज हम आपसे एक बहुत ही विशेष अनुभव के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि हमें बाबा जी की गुफा के दर्शन के बाद दिखाई दिया था, या हम कहें अनुभव हुआ था। तो चलिए, पहले हम अपनी यात्रा को शुरू करने से भी पहले एक बार अपने चाहने वालों से थोड़ा सा मिल लेते हैं और फिर हम आपको इस यात्रा में आगे की तरफ लेकर चलते हैं। मित्रों, आज हम आए हैं बाबा जी की गुफा में और यहाँ पर जैसा कि हमेशा ही होता है कि बाबा जी के बहुत सारे भक्त हमें रास्ते में मिलते ही रहते हैं, और आज हमें इतने सारे भक्त ये लोग मिले हैं, और इनमें से कुछ लोग हैं जो हमें पहले से जानते थे ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड हमारे चैनल की वजह से, लेकिन यहाँ पर आकर ये सब हमारे गुरु भाई बहन है, और हम सब मिलकर एक बार बाबा जी का जयकारा मारेंगे और बोलिए महावतार बाबा की जय, योगानंद गुरुदेव की जय, लहरी महाशय जी की जय, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरुदेव, जय गुरु, जय गुरु। पता नहीं कहाँ से पॉपअप हो गया, कहाँ से पॉपअप हो गया। तो मित्रों, हमें एक और हमारे YouTube के सब्सक्राइबर मिले हैं। हेलो भैया। हेलो, क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज, आप कहाँ से? मैं श्री महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से हैं, और इन्होंने मुझे यहाँ पे पहचान लिया। ये भी बाबा जी की गुफा देखने आए हैं और इनके साथ में इनकी पूरी टीम है। हेलो गाइस। तो ये सारे बाबा जी की गुफा में मिले हैं हमें, और बहुत सारे लोग हमें यहाँ पे मिल रहे हैं जो बाबा जी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे गुफा देखने आए हैं। तो इनसे मिलके हमें बहुत ही खुशी हुई। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। आपने वो वीडियो बनाया, हमने देखा और हम पांडु खुली गए। तो मतलब इनका कहना है कि हमारी वीडियो से इनको बहुत बेनिफिट मिला है ना। एक और वो आपका सब्सक्राइबर, अच्छा एक सब्सक्राइबर और हमारे पीछे। भाई आप भी बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? भाई क्या बताए, धन्य हो अंजना जी की, उनकी वजह से आज मेरे 10 साल की ड्रीम पूरा हुआ। तो बोलिए बाबा जी की जयकार बोलिए। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय गुरु। इस चैनल ने हमारी लाइफ की, सोचने की और बहुत सारी चीजें चेंज करी, और आज 56 ईयर की लाइफ का एक इतना अमेजिंग डे है कि वो बताया नहीं जा सकता। बट थैंक्स टू कि कभी मौका लगा तो खुद अंजना जी आपको इसके बारे में बताएंगे। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, थैंक यू। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बाबा जी को चाहने वाले, और बाबा जी की वजह से कुछ लोग हमें भी चाहने लग गए हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें चाह रहे हैं। परीक्षा पूरी हो गई है अंजना की वजह से। चलो भाई, बहुत बढ़िया। आगे हर एक ऐसा, हर एक ऐसा पूरा अद्भुत ट्रिप जब प्लान करोगे तो हम सबको याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ओके। जय बाबा जी, जय बाबा जी। तो ये है कुकुचिना का वो तिराहा जहाँ पर लेफ्ट साइड में जाता है पांडुखोली के लिए रास्ता, जो आपको दिखाई दे रहा है तिरंगे कलर के जो दो पिलर लगे हैं और एक ग्रीन कलर का बोर्ड लगा है। तो यहाँ से पांडुखोली के लिए चढ़ाई शुरू होती है, जो हम पिछले वीडियो में, पिछले से भी पिछले वीडियोज में हम आपको दर्शन करा चुके हैं पांडुखोली के, और वहां से उतर के जो बाबा जी के लिए रास्ता जाता है वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। और इधर वाला रास्ता जिससे हम जा रहे हैं सीधे की तरफ, मतलब जो राइट साइड में हम जाएंगे, वहां पर ये सारा रास्ता पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, सारा कच्चा रास्ता था, सारा कीचड़ से भरा हुआ रास्ता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि हम पैदल ना जाके बस से जा रहे हैं, तो मतलब जो 2-2.5 किलोमीटर पैदल का रास्ता था वो अब हम बस या गाड़ी से कर सकते हैं, और जो चढ़ाई प्रॉपर शुरू होगी वो होती है यहाँ से। कहाँ जा रहे हो आप लोग भाई? तो एक बार जयकारा लगाओ महावतार बाबा की जय। बिल्कुल जय। और मित्रों, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो आपको ईंटों का बना हुआ एक कमरा दिखाई दे रहा, ये पहले नहीं हुआ करता था, ये अभी बन रहा है। और जो पीछे आपको दिखाई दे रही एक झोपड़ी सी छोटी सी दुकान, ये हुआ करती थी, तो ये पहले से ही है। और यहाँ पर एक आंटी है, वो मैगी और चाय देती है सबको। तो यहाँ से एक तरीके से हम कहेंगे दुकान है, जहाँ से हम चढ़ाई करने से पहले या वापस आके
मैगी खा सकते हैं और चाय पी सकते हैं, बाकी रास्ते में आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अब हम यहाँ से चढ़ रहे हैं और ये जो है चढ़ाई का स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे समझ लीजिए यहाँ से प्रॉपर चढ़ाई शुरू होती है। लेकिन अब हम 2.5 किलोमीटर इससे पहले जो चढ़ाई होती थी, यानी कि जो हम सड़क पे पैदल चलते थे, वो रास्ता अब हम इजिली गाड़ी से पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो काफी इजी हो गया अब यहाँ पर पहुंचना। तो अब हम चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते जाते हैं रास्ते के सारे नजारे। हाँ, ये देखो कितना सुंदर एरिया लगता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बाईं तरफ और दाईं तरफ दूर दूर तक, देखिए कैसा दिखाई देता है यहाँ पर, कितना सुंदर है चारों तरफ। जय महावतार बाबा जी की जय। दर्शन बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पर पूरे रास्ते हमें झिंगुर की आवाज सुनाई देती रही। यहाँ की सुंदर प्रकृति देख के अनायास ही सभी के मुंह से शब्द फूट पड़ते हैं। ये देखिए अपनी धुन में धड़कते दिल के तराने लिए जय। तो मित्रों अब हम पहुंच गए हैं गगास नदी के पास में, और गगास नदी वही नदी है जिसके सहारे सहारे लहाड़ी बाबा जी महावतार बाबा जी के जब उन्होंने बुलाया था उनको गंगाधर गंगाधर बोल के, तो इसी गगास नदी के किनारे किनारे चलते चलते वो महावतार बाबा जी की गुफा तक पहुंच गए थे। तो ये नदी का जो जल है झरने का बहुत ही पवित्र, बहुत ही मीठा और बहुत ही ठंडा है। तो यहाँ के जल ग्रहण करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए भाई ये महावतार बाबा की यात्रा है, हम लोग दिल्ली से आए हैं और हमारी अंजना दीदी हमें यहाँ लेके आई है। ये खूबसूरत वादियों में एक एक कण में एक एक झाड़ एक एक पौधा एक एक बेल एक एक नदी का झरना, उसमें सब जगह में महावतार बाबा का दर्शन होता है और बहुत ही आनंद आ रहा है। पूरी टूर है, हमारे साथ 14-15 लोग है, कोई कलकत्ता से आया है, कोई बम्बे से आया है, कोई दिल्ली से, कोई मथुरा से, और सारे लोग एक भावना से जुड़े हुए हैं और सब इधर आए हुए महावतार बाबा की गुफा के दर्शन करने के लिए, जहां 5000 वर्ष पहले महावतार बाबा ने ध्यान किया था, क्रिया योग की उन्होंने अभ्यास किया था, साधना की थी, और उसके बाद उन्होंने उनकी लिगेसी में श्यामाचरण लहारी बाबा जो कि अंग्रेजों के समय में एक बाबू थे, क्लर्क थे, और वो यहाँ आए थे जहाँ नीचे से रानीखेत से उनको एक आवाज सुनाई थी, बाबा जी ने आवाज दी, तो वो ये कौन सी नदी गगास नदी के किनारे किनारे चलते वो महावतार बाबा की गुफा तक पहुंचे थे और वहां उन्होंने क्रिया योग दिया था। और उसके बाद तो काफी फॉलोअर्स थे, वो महावतार बाबा का आदेश था कि नीचे जाके सबको, और इसकी मित्रों में एक स्पेशलिटी बताता हूँ कि बाकी सब साधनाओं में आदमी को संन्यास लेना होता है, बाबा जी बनना होता है, जंगल में जाना होता है, एकांत में जाना होता है, ये एक योग क्रिया ऐसी क्रिया योग एक ऐसी मतलब साधना है जो आप संसार में रह के भी कर सकते हैं, और ये कृष्ण भगवान ने महावतार बाबा को दी थी और महावतार बाबा हम सब पे कृपा करे और हम क्रिया योगी बने, अच्छे क्रिया योगी बने। जय महावतार बाबा, और बाबा जी के दर्शन करने गुफा के आते रहे। जय बाबा जी, जय बाबा जी। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं कि बाबा जी की गुफा में जाने के लिए, इस स्थल पे आने के लिए, इस पर्वत पे चढ़ाई के लिए सभी कितने उतावले और कहां कहां से देखिए घुस घुस के जंगलों के बीच बीच में से सारे लोग पहुंच रहे हैं और इतने खुश हैं कि किसी को होश ही नहीं है कि कोई गा रहा है तो कोई नाच रहा है, कोई कुछ हंस रहा है तो मतलब कोई बैठा है, कोई हाथों में हाथ डाल के चल रहा है, मतलब इतने प्रसन्न इतने आनंद भाव में है सारे के सारे। देखिए जरा शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। देखिए दिन है ये मौसम, नदी का किनारा ये ठंडी हवा, डायरेक्टर साथ है हमारे, आगे 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 मस्त। तो आपने देखा इस समय हमारे साथ लता मंगेशकर, आशा भोसले, जो कोई भी गायिका है ना बेस्ट, उनकी भी गुरु यहाँ पे हमारे साथ हैं और ये सारी कर रहे हैं बाबा जी की गुफा के दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दुनिया के चमन में
घर आई, ओ राम जी मैं पिया के घर आई। तो इसी सब मस्ती के साथ हम पहुंच रहे हैं महावतार बाबा जी के स्मृति भवन में और उसके बाद चलेंगे गुफा की तरफ। तो ये बिल्कुल किनारे पे हम पहुंचे हैं स्मृति भवन के और दूर से आपको दिखाई देने लग गया है वो रहा स्मृति भवन। बाबा जी के स्मृति भवन से निकलकर ये सामने रास्ता जाता है बाबा जी की गुफा की तरफ। तो अब हम पहुंच रहे हैं बाबा जी की गुफा की तरफ, बहुत ही पास में है, मतलब 5 से 10 मिनट के करीब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और बाबा जी की गुफा के दर्शन के बाद हम यहाँ पर हुए एक अद्भुत अविश्वसनीय अनुभव के बारे में आपसे शेयर करेंगे। तो पहले हम पहुंचते हैं और करते हैं बाबा जी की गुफा के दर्शन और फिर हम आपको यहाँ से जुड़ी बहुत ही खास बात बताने वाले हैं। चलिए आइए करते हैं महावतार बाबा जी की गुफा के दर्शन। तो यहाँ पर बाबा जी की गुफा के दर्शन के बाद हम बाबा जी की गुफा के एक बैक साइड में एक एरिया है जहाँ पर लाहड़ी बाबा के शिष्य तप किया करते थे। तो और ये गुफा का बैक साइड भी है, कहते हैं कि वो बद्रीनाथ तक रास्ता जाता है लेकिन गुफा को बंद कर रखा है। तो हम बैक साइड से जाकर पीछे उतरते हैं और पीछे उतरने पर जो हमें मिला या जो हमने अनुभव किया वो वाकई में बिल्कुल ही अलग था। तो जरा हम आगे बढ़ते हैं फिर हम बताते हैं यहाँ के भी बारे में। नमस्ते मित्रों, यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई एक ऐसी संत से जिन्होंने 1.5 साल से ना तो खाना खाया ना पानी पिया और ना ही वो सोई थी। 18-18 दिन लगातार
अवतार दिन और रात पद्मासन में उन्होंने घोर तपस्या की हुई है। उनसे दर्शन के बाद, उनसे बातचीत के बाद, उनसे बहुत सारी डिस्कशन किए हमने, बहुत सारी बातें की। और लंदन में डॉक्टर होने के बाद, 3 साल की मेडिकल में सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद, डॉक्टरी करने के बाद, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा जी की गुफा में आ गई और लगभग 1.5 साल से वो यहीं पर रह रही हैं। तो उन्होंने अपने बारे में काफी कुछ और भी डिटेल बताया और उनका नाम है साध्वी श्री माता श्री, जो भी हम कहें, जो भी नाम दें, क्योंकि उनकी उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही उम्र, शायद मेरे ख्याल से 35 के आसपास मुझे लगी, बाकी हमने पूछा नहीं उनकी उम्र के बारे में। और उनका जो नाम उन्होंने बताया, वो बताया कृष्णा भारती परमहंस जी। तो वाकई में वो कृष्ण की अटूट भक्त, मतलब मैं उनके बारे में कोई शब्द नहीं हमारे पास कहने के लिए। उन्होंने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए मना किया हुआ था, हालांकि हमारे पास फोटो वीडियो सब हैं, लेकिन उन्होंने शेयर करने को मना किया था, इसलिए हम नहीं कर सकते। लेकिन ये बात बताए बिना मैं नहीं रह पाई कि आज भी इस कलयुग में लोग सोचते हैं कि ध्यान साधना कुछ नहीं होता, भगवान इतने आसानी से नहीं मिलते, लेकिन जब हमने साक्षात अपने सामने उनको देखा तो हमारा जो विश्वास था बाबा जी के लिए, वो और भी अटूट हो गया, मतलब और भी ज्यादा हमारे अंदर भाव आया कि हमें और अच्छे से ध्यान साधना करनी है। जब वो एक स्त्री होके, बाबा जी की भक्त होके 1.5 साल से वो सूर्य की रोशनी पे जिंदा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मतलब उनसे मिलके हमें इतना मोटिवेशन मिला, इतना मोटिवेशन मिला। और सच कहूं मित्रों, घर आके जब मैंने अपनी साधना शुरू की, मतलब साधना तो हम कर ही रहे हैं बाबा जी से जुड़े हैं तो, लेकिन उसके बाद से हमारी साधना और भी गहरी हो गई, इतनी ज्यादा गहरी हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए कि कभी कभी हमें किसी से मोटिवेशन मिलता है तो हमारी साधना पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब उतरते हैं नीचे। मित्रों, जब भी हम बाबा जी की गुफा के दर्शन के लिए आते तो हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है, और इस बार भी हम एक दिव्य अनुभव को लेकर यहाँ से वापस जा रहे हैं और जल्द ही यहाँ पर फिर आएंगे और फिर से कुछ नया अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम महातर बाबा जी नमः, ओम जय श्री कृष्ण, जय शिव शंभू।